हमारा भारत एक विशाल देश है। भारत की जनसंख्या 139 करोड़ से ज़्यादा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है। अगर जनसंख्या की बात करें तो दुनिया में भारत चीन के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है और यह देश की यह खास बात है कि यहाँ इतना विविधताओं के बाद भी यह साथ मिलकर रहते हैं। भारत के हर राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। प्रत्येक राज्य में संस्कृति अलग अलग है। इसके बावजूद आपको भारत देश में एकता देखने को मिलती है। अगर आप भारत में रहते हो तो आपको यह पता होना चाहिए कि भारत में कुल कितने जिले हैं। आपको बता दें कि वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगस्त 2019 से पहले भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। इससे भारत में राज्यों की संख्या 29 से घटकर 28 हो गई है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 से बढ़कर 8 हो गई है। इन राज्यों में तरक्की आसानी से हो सके इसलिए इन राज्यों को जिला में बांट दिया गया है। इस जिलों के आधार पर किसी भी राज्य की तरक्की आसानी से मापी जा सकती है। आइए आज मैं आपको बताता हूँ भारत में कितने जिले हैं 2022 में। वर्तमान समय में भारत में कुल 742 जिले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में साल 2001 में जिलों की संख्या 593 थी, जबकि साल 2011 में बढ़कर यह 640 हो गई थी। इस तरह भारत में जिलों की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी भी भारत में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें जिला घोषित करने की मांग स्थानीय स्तर पर जारी है। भारत में कुल 28 राज्यों में कुल जिले की संख्या 697 है और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल जिले की संख्या 45 है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर यह संख्या 742 होती है। आइए आज मैं आपको भारत में कुल कितने राज्य और उनमें कितने जिले की संख्या है यह बताता हूँ। आंध्र प्रदेश में जिले की संख्या 13 है। अरुणाचल प्रदेश में जिले की संख्या 25 है। आसाम में जिले की संख्या 34 है। बिहार में जिले की संख्या 38 है। छत्तीसगढ़ में जिले की संख्या 28 है। गोवा में जिले की संख्या 2 है। गुजरात में जिले की संख्या 33 है। हरियाणा में जिले की संख्या 22 है। हिमाचल प्रदेश में जिले की संख्या 12 है। झारखंड में जिले की संख्या 24 है। कर्नाटक में जिले की संख्या 31 है। केरल में जिले की संख्या 14 है। मध्य प्रदेश में जिले की संख्या 55 है। महाराष्ट्र में जिले की संख्या 36 है। मणिपुर में जिले की संख्या 16 है। मेघालय में जिले की संख्या 11 है। मिजोरम में जिले की संख्या 11 है। नागालैंड में जिले की संख्या 12 है। उड़ीसा में जिले की संख्या 30 है। पंजाब में जिले की संख्या 23 है। राजस्थान में जिले की संख्या 33 है। सिक्किम में जिले की संख्या 4 है। तमिलनाडु में जिले की संख्या 38 है। तेलंगाना में जिले की संख्या 33 है। त्रिपुरम में जिले की संख्या 8 है। उत्तर प्रदेश में जिले की संख्या 75 है। उत्तराखंड में जिले की संख्या 13 है। पश्चिम बंगाल में जिले की संख्या 23 है। अब मैं आपको भारत के केंद्र शासित प्रदेशों और उनके जिलों की संख्या के बारे में बताता हूँ। अंडमान एंड निकोबार में जिले की संख्या 3 है। चंडीगढ़ में जिले की संख्या 1 है। दरार और नगर हवेली दमन में जिले की संख्या 3 है। लक्षद्वीप में जिले की संख्या 1 है। दिल्ली में जिले की संख्या 11 है। पुंदुचेरी में जिले की संख्या 4 है। जम्मू एंड कश्मीर में जिले की संख्या 20 है। लद्दाख में जिले की संख्या 2 है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हमारे भारत में कुल कितने जिले हैं 2022 में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें।